ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणी प्रवर्तयेत। नमस्कार, मेरे पास ये ऑरा स्कैनर है। ऑरा स्कैनर मतलब मॉलिकुलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल। ऑरा जानते हो आप क्या होता है? आपका जो आभा मंडल है, चारों तरफ एक प्रकाशमय शरीर होता है आपका, और वो जो प्रकाशमय शरीर है वो कई कारणों से टूटता रहता है। उसके फिर जो है गंभीर परिणाम होते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा वीक होगी तो बीमारी आएगी शरीर में, ठीक है। और ऑरा ज़्यादा टूटती कैसे? मोबाइल से। आपने देखा मोबाइल, हर कोई हर एक के आदमी मोबाइल होगा। एक कॉल आई, आपने अटेंड करी, आपका ऑरा टूट गया, ठीक है। फिर ऑरा रिक्रिएट होता है, फिर दूसरी कॉल आई, फिर टूट गया। तो ऑरा जो है अगर आपका मेंटेन रहेगा तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। तो आप एक एक करके तेज़ी से आएंगे, और जिनका ये पूरा 360 डिग्री घूमेगा, ठीक है, वो तो ठीक है। बाकी जिनका ये आधा खुलेगा या 270 डिग्री खुलेगा तो वो एक साइड इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आएंगे। आइए सर, आपसे शुरू बात कर लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाए सामने, आ जाए। क्या नाम है जी? मेरे सामने खड़े हैं ललित कुमार। हाँ, ललित कुमार जी। अच्छा, ये काम करना, अपने आपके जेब में मोबाइल तो नहीं है? मोबाइल हटा के चेक होगा। एक जना मोबाइल ले लो सबके, ठीक है, मोबाइल के साथ नहीं होगा ये। चलो ठीक है, ओके, आ जाओ। तो एक एक करके आते जाओ। क्या नाम है भाई साहब? महाराज सिंह। महाराज सिंह जी, ओके, फिट है। मोबाइल नहीं होना चाहिए जेब में, मोबाइल तो नहीं है। क्या नाम है? शिवम। शिवम, अपना अपना नाम बता दे जाना भाई, अभी तो हमारे सारे फिट निकल रहे हैं। फटाफट आ जाओ, देर मत लगाओ। फटा है सागर, चलो जी, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, ठीक है, अच्छी बात है। जिसका पूरा पूरा घूम रहा है, अमित कुमार जी, जिनका पूरा घूम रहा है इसका मतलब वो फिट है। क्या नाम है? आकाश जी। इनका आधा आधा खुला है। देखो आप इधर आ जाओ, इससे इधर आ जाओ। अरे मोबाइल तो नहीं जेब में? जेब में मोबाइल तो नहीं है? नहीं है ना, आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ, देर मत करो, नहीं डरो मत, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? प्रदीप जी, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ गया, आओ फटाफट। क्या नाम है? लक्ष्मी जी, आ जाओ कम। हाँ जी, भूपेंद्र जी। चलिए सर, आइए नेक्स्ट। ये मोबाइल हटाओ, मोबाइल हटा क्या? मोबाइल लेके आओगे तो वैसे भी कम हो जाएगा वो, आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, विजय कुमार जी, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ सर, आ जाओ नेक्स्ट। आइए, आते जाओ, आते जाओ, बस अभी एक ही बंदा निकला है, देखो है ना, आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये आपकी एक वो हो रही है, फिटनेस एक्सरसाइज हो रही है, फिटनेस टेस्ट हो रहा है कि कितने फिट हैं आप, हैं? आ जाओ। मोबाइल मोबाइल नहीं होना चाहिए बस जेब में आपके, नहीं तो मोबाइल से फिर रीडिंग गलत आएगी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। अरे लेडीज भी आओ, सारे के सारे, हाँ ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, चलो बढ़िया, आ जाओ, आओ सब लोग, आते जाओ जल्दी, तेजी से चलो। क्या नाम है आपका? देवेंद्र जी। इनका आधा है, इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हाँ ठीक है, आ जाओ। अभी सिर्फ दो लोगों का है, हाँ आ जाओ नेक्स्ट, है ना, फास्ट, आधा है, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नेक्स्ट, आ जाओ, चलो ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, आइए, 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 आ जाइए, आइए, आइए, चलिए सर, आइए। और कोई? और आ गया थोड़ा, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आइए, आ जाओ, आइए, चलो सर, आइए। और कौन है? हो गया,
चलिए सर, अभी हमने सबका ऑरा स्कैन किया। ऑरा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दिव्य कांति वलय आभा मंडल, आपका प्रकाशमय शरीर, आपने देवी देवताओं के फोटो के पीछे देखा है रोशनी, वही ऑरा होती है, वो सबकी होती है, पर उसको हम लोग घटा देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। तो ऑरा को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ये फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन है, उसमें रील वगैरह देखते रहते हैं, हैं या कॉल सुनते रहते हैं, उससे हमारा ऑरा टूटता रहता है। और उसके लिए क्या होता है कि कई ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए चिप्स आते हैं, पेंडेंट आते हैं, ब्रेसलेट आते हैं, रत्न मणि वगैरह, कई स्टोन होते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। मतलब ये लगा ली कि 10,000 से लेके 30-40,000 तक का बजट होता है। आप लोग सब फैक्ट्री वर्कर हैं तो भाई 40,000 तो कोई खर्च नहीं करेगा केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए। कोई समझदारी है क्या उसमें 40,000 खर्च करने में? कोई समझदारी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आपको कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका ऑरा कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो आपका दुष्प्रभाव है आपके आभा मंडल में वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? अभी जिन लोगों का ऑरा आधा आया था वो इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए, जो जिनका आधा निकला था। अब ये 3 लोगों का जो है आभा मंडल जब हमने चेक किया था तो ये 50% इनका था, घटा हुआ था इनका। अब इनको कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, केवल एक छोटा सा उपाय करना है। ये क्या है? गौ माता का उपला है, ठीक है। ये तो ज़रा साइज बड़ा है पर इसका भी आधा, इसका भी चौथाई कर सकते हो आप। इसको आप कहीं भी रख लो, आप चुन्नी पे बांध दो, जैसे आप जेब में रख लो, ठीक है, रखो इसको जेब में रखो, आप जेब में रखो, आप चुन्नी में बांध दो इसको, चुन्नी में, ऐसे चुन्नी में बांध दो। और ये मैंने आपको साइज़ थोड़ा बड़ा दे दिया पर ये छोटा साइज़ भी आप ले सकते हो, ठीक है, ऐसे चुन्नी में बांध दो इसको। अब इन्होंने क्या क्या, एक जैसे गौ हमारे यहाँ पूज्य होती है, सारे देवताओं का वास गाय के अंदर होता है, क्यों गाय को इतना महत्व दिया गया है, गाय का गौमूत्र से लेके गोबर से लेके दूध दही सब कुछ उपयोगी है, उसमें कई लाभ हमको मिलते हैं उससे। अब एक गोबर का प्रयोग सिर्फ कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ जी आगे आ जाओ, क्या नाम बताया था आपने? आकाश जी, है ना, हो गया सर इनका पूरा कंप्लीट हो गया। अब गोबर हटा दो, हाँ हटा दीजिए, अब आधा हो गया। तो आपका क्या पैसा खर्च हुआ है इसमें, हैं? अब ये बस आपने एक उपला रखना जेब में, हैं? आ जाओ, ठीक है सर, फिट, चलिए सर आइए। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो गौ माता की सेवा करके और एक गाय का उपला, गोबर का उपला छोटा सा रख के आप अपनी जेब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अपने को बचा सकते हैं। जो मोबाइल से, स्मार्टफोन से जो हानि होती है, नुकसान होता है, उसको सिर्फ गाय के एक छोटे से गोबर के टुकड़े से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, ओम शांति।